अब हम तो कहते हैं कि हाँ परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होने के लिए सबसे पहले हमें परमेश्वर का मंदिर बनना है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम प्रकाशित वाक्य में 7 खंडों में से हैं, तीसरे खंड के बारे में बात कर रहे हैं, परमेश्वर का सिंहासन और 7 मोहर बंद पुस्तक के बारे में। पिछले संदेश में हमने तीसरी ही मोहर के बारे में सीखा था, काला घोड़ा और उसके सवार यानी महंगाई के बारे में, और ये सीखा था कि उस ये जो दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है और एक समय ऐसा आएगा कि भयंकर महंगाई होगी, चारों तरफ युद्ध की चर्चाएं होंगी, युद्ध होगा और इंसान भूख के मारे जो है बिलबिलाएगा, तड़पेगा और अपने ही बच्चों को खा लेगा। इसके विषय में हमने सीखा था कि भयंकर स्थितियां आने वाली है, परंतु आज हम फिर से तीसरी मोहर के बारे में ही सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 6:5-6 तक मैं आपके लिए फिर से पढ़ देता हूं। यानी लिखा है, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। अब यहां पर जो है परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जो 4 प्राणी हैं उनके बीच में से यूहन्ना जो है वो एक शब्द सुनता है, एक मैसेज को सुनता है और उस मैसेज का एक भाग तो हम लोग पिछले संदेश में सुन चुके हैं। अब यहां पर जो है उस संदेश का जो है एक भाग और दिखाई देता है कि तेल और दाखरस की हानि ना करना। अब तेल और दाखरस की तीसरी मोहर जब खुलती है तो यूहन्ना जो है वो काले घोड़े को और उसको उसके सवार को देखता है और उस संदेश को सुनता है कि ऐसा ऐसा होने जा रहा, महंगाई के बारे में बात होती है और उसके बाद कहता है तेल और दाखरस को हानि ना। आखिर तेल और दाखरस को हानि क्यों ना करना? सारी चीजों की हानि हो रही है, यहां तक मनुष्यों तक की हानि हो रही है, यानी मनुष्य अपने बच्चों को मारकर खा जा रहे हैं, एक दूसरे को मारकर खा जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन यह कह रहा है तेल और दाखरस की हानि ना होने देना। इसका रीजन क्या है? बहुत बड़ा भेद। तेल शब्द का जो प्रयोग है बाइबल के अंदर सबसे पहले उत्पत्ति 28 और उसके 18 पद में किया गया है। अब आप कहोगे कि भाई उत्पत्ति 28 और उसके 18 पद में जो है वो कैसे किया गया है? जब हम परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो याकूब और एसाव 2 भाई थे। याकूब जो है वो अपने पहलौटे का सारा आशीर्वाद, सारी आशीषें अपने पिता से ले लेता है और अपने मामा के घर की ओर भागा चला। रास्ते में उसे लेट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो वो एक स्थान पर जो है वो रुक जाता है और जब उस स्थान पर रुक जाता है तो उस स्थान का पहला जो नाम था लूज था। लूज का मतलब, लूज का जो अर्थ होता है बादाम का पेड़। जी हाँ, बादाम का पेड़ जो है वो होता है। तो वहां पर जो है वो एक तकिया, पत्थर का लंबा सा पत्थर होता है, उसका तकिया बनाकर सो जाता है। वहां पर वो सपना देखता है, सपना देखता है कि स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक जो है सीढ़ी है और उस पर जो है वहां पर परमेश्वर है और उस सीढ़ी से स्वर्गदूत उतर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो इस सपने को देखता है, वो एकदम से उठ जाता है, वो कहता है कि हो ना हो ये स्थान जो है स्वर्ग का द्वार है और मैंने परमेश्वर का दर्शन पाया है। वो क्या करता है, वो उस जो तकिया, पत्थर रूपी तकिया जो बनाया था, उस पत्थर को सीधा खड़ा करता है और फिर उसका अभिषेक करता है तेल से, और उस तेल से अभिषेक करने के बाद उस स्थान का नाम जो है वो बेतेल रखता है। बेतेल का मतलब होता है ईश्वर का घर। जी हाँ, बेतेल का मतलब जो होता है वो ईश्वर का घर होता है। और जब वो अपने बहुत रहिस हो जाता है और बहुत सालों तक रहता है, वहां पर उसकी शादी ब्याह हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं और बहुत भेड़ बकरियां हो जाती हैं, फिर वो अपने देश, अपने भाई के एसाव के पास लौटता है।
फिर उस स्थान पर जाता है तो वहां पर फिर वो तेल जो है वो तेल से उस स्थान का उस पत्थर पर अभिषेक करता है और वहां पर जो है वो बहुत सी मन्नतें जो है वो मांगता है और वो उस स्थान पर जो है वो परमेश्वर का जो है घर बनता है, मंदिर बनता है आने वाले समय में जब देखेंगे। इस तेल का जो बाइबल के अनुसार जो है परमेश्वर का वचन जो बताता है, इस तेल का अर्थ क्या है, चलिए इनको पढ़ते हैं जरा और समझने की कोशिश करते हैं। भजन संहिता 45 का 7 पद, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। जी हाँ, देखिए यहां क्या लिखा, जो धर्म से प्रीति रखता है और दुष्टता से बुराई से बैर रखता है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो धर्म जो धर्म से प्रीति रखता है, परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है कि हर्ष रूपी तेल से अभिषेक करता है। हर्ष रूपी तेल का मतलब क्या होता है, जो अभिषेक का तेल होता है, ये उस तेल की बात होती है, उससे अभिषेक करता है परमेश्वर कहता है। इब्रानियों 1 और उसके 9 पद में लिखा हुआ है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। हमारे साथियों से बढ़कर, क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं और हमारे प्रेम में किसी प्रकार का कपट नहीं होता है, विश्वास की दृढ़ता होती है, तो परमेश्वर सबसे बढ़कर, ये बात हालांकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में है मगर परमेश्वर हमारे और आपके बारे में भी कहता है। और क्या कहता है कि देखिए, हमारा अभिषेक जब इस हर्ष रूपी तेल के समान होता, तो वो उस अभिषेक की, जो अभिषेक का तेल है, उसकी तुलना किस बात से करता है। बड़े समझने की बात है, क्योंकि अभिषेक का तेल जो था बहुत मायने रखता था, और अभिषेक का तेल जो है याजक पद के लिए, महायाजक पद के लिए, राजा के लिए जो है उस तेल से अभिषेक किया जाता था। एक बहुत बड़ी बात थी कि अभिषेक किसके लिए हो रहा है, परमेश्वर के लिए हो रहा है। राजा जो है कौन चुन रहा है, परमेश्वर चुन रहा है अपनी प्रजा के लिए, इसलिए वो उस राजा का अभिषेक कर रहा है। परंतु यहां पर जब भजन संहिता 133 और उसका पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। किसका, हमारा भाईचारा। आज है कहां भाईचारा, आपस में भाई लोग मिले, हम मसीही लोग तो कभी आपस में मिल ही नहीं सकते। हर एक कलीसिया के लोग अलग अलग, और अगर कोई कलीसिया के लोग नहीं इंडिपेंड कर रहे हैं, अपनी अपनी कलीसिया बना के कर रहे हैं, तो वो भी नहीं साहब, जो कुछ है हम हैं, उनसे नहीं मिलना, उनसे बात नहीं करनी है, उनके चर्च में नहीं जाना है, वो हमारे कोई नहीं लगते हैं, वो झूठे हैं और वो गलत शिक्षा देते हैं। नहीं साहब, धार्मिक हम ही हैं, हमारे अलावा और कोई धार्मिक है ही नहीं, भाईचारा है नहीं। तो उस तेल का जो हर्ष रूपी तेल है, उस अभिषेक का तेल जो हारून के सर पे डाला गया याजक पद होने के लिए, उसके बेटों के सर पे जो उंडेला गया और उसकी दाढ़ी से होता हुआ उसके वस्त्रों के छोर तक चला गया, परमेश्वर कह रहा है कि हमारा जो भाईचारा है उस उत्तम तेल के समान है। है ही नहीं भाईचारा, तो होगा कहां से। परमेश्वर देखता है इन चीजों को जो है, और वो बताता है कि हमारा भाईचारा जो है किस तरीके से होना चाहिए। फिर क्या कहता है परमेश्वर का, पहला योहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसका 20 और 27 पद है, पहले 20 पद पढ़ रहा हूं मैं, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। 27 पद, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि तुम्हें कोई सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसा तुम भी उसमें बने रहो। यह किस बात की, किस चीज से अभिषेक की बात हो रही है। देखिए यहां पर तेल के अभिषेक का मतलब पवित्र आत्मा से भी है, या यहां पवित्र आत्मा के अभिषेक की बात हो रही है कि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें बताता है। प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को कहता है कि पवित्र आत्मा जो है, जब आप यूहन्ना की इंजील
उसका 15 अध्याय और उसका 16 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि सत्य का आत्मा जब आएगा तो वो मेरी बातों में से तुम्हें सब सच सच बताएगा, सब कुछ बताएगा। और सबसे पहली बात क्या है कि पवित्र आत्मा, यहां लिखा है कि जो तुम्हारे अंदर रहता है वो तुम्हें सिखाता है। अब हमारे अंदर रहता कैसे? अब हम तो कहते हैं कि हाँ परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होने के लिए सबसे पहले हमें परमेश्वर का मंदिर बनना है। पहला कुरंतियों 3:16 और पहला कुरंतियों 6:19 जब आप पढ़ेंगे वहां लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। फिर कहता है 19 में क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। पहले हमें मंदिर बनना है और उस मंदिर का अभिषेक होना चाहिए क्योंकि उसका अभिषेक याकूब ने पहले करा उस स्थान का। हम जब परमेश्वर का स्थान है तो उसका अभिषेक होना जरूरी है और उस अभिषेक को बनाए रखना जरूरी है। और तभी परमेश्वर का वचन कहता कि उस मंदिर, मतलब उस मंदिर के अंदर, यानी हम जो परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर के अंदर जब परमेश्वर का आत्मा है तो क्या कहता है, जब आप यूहन्ना 16:13-15 तक पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा और वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यानी वो अपनी अंदर से नहीं, जैसा अभी हमने पढ़ा था पहले योना की पत्री में, कि वो जो परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया, जो अभिषेक करा है, वो जो अभिषेक हमारे अंदर है वो हमें सिखाएगा, वो हमें बताएगा। और ये बात हो रही है पवित्र आत्मा के अभिषेक की। पहले तेल से अभिषेक हुआ करता था पुराने समय में, याजक का, महायाजक का, राजा होने के लिए, परंतु अब हमारा अभिषेक जो है परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में बताता है कि हमारा पवित्र आत्मा से अभिषेक होता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है यदि कोई परमेश्वर के आत्मा को शोकित करता है या परमेश्वर के आत्मा के विरोध में बात करता है तो उसका पाप ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा की योग्य नहीं है, क्योंकि यह महान अभिषेक है। ये उस संसार में की चीजों से बनाया हुआ अब तेल का अभिषेक नहीं है। परमेश्वर ने एक उत्तम अभिषेक जो है वह हमें और आपको दिया है। और क्या कहता है कि बुद्धिमान के घर में क्या होता है, तेल होता है, हर्ष का तेल वो दिखाई देता है। क्या देता है, नीति वचन 21:20 में लिखा हुआ है बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं परंतु मूर्ख उनको उड़ा देता है। जो बुद्धिमान होते हैं उनके घर के अंदर भोजन वस्तुओं में तेल की कमी नहीं होती है, सर में लगाने वाले तेल की कमी नहीं होती है, परमेश्वर सब जो है वो करता, और अभिषेक के तेल की यानी अभिषेक की उस आत्मा की कमी नहीं होती है उसके अंदर। ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ तेल की बात हो रही है। दूसरा राजा 4:2-4-7 में लिखा है, तो जब आप इसको पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है क्या था, वो विधवा स्त्री है, उसके पति मर गया है और वो बहुत कर्जे में डूबी हुई थी, उसका पति बहुत कर्जे में डूबा हुआ मर गया। जब कर्जदार उसके घर पे आया और उसके बच्चों को ले जाने लगे तो उसने एलिशा के पास जाकर दुहाई दी। अब वहां पर क्या होता, एलिशा उससे पूछता है कि तेरे घर में है क्या। अब ध्यान दीजिएगा, उसके घर में खाने पीने की कोई चीज नहीं है, ना आटा है, ना चावल है, कोई भी चीज नहीं है। वो कहती है मेरे प्रभु एक हांडी में तेल है मेरे पास बस। अरे वाह, बुद्धिमान स्त्री, सब कुछ खत्म हो गया परंतु तेल उसके घर का खत्म नहीं हुआ, और उसी तेल के द्वारा परमेश्वर ने चमत्कार दिखाया कि जा पड़ोसियों के भी बर्तन को और अपने घर के सारे बर्तनों को ले ले, और सारे पड़ोसियों के सब बर्तनों को लिया और अपने घर के अंदर जा, अपने बच्चों को ले जा और द्वार बंद कर और तेल को उंडेलना शुरू कर, तेल को उंडेलना शुरू करा। उसके घर के, उसके पड़ोसियों के घर के सबके बर्तन भर गए परंतु तेल का उंडेला जाना बंद नहीं हुआ, और जब सब बर्तन भर गए तब तेल का जो था बहना बंद हो गया। उसने कहा जा इसको बेचकर अपना कर्जा चुका और अपना
अर्निंग के साधन का इंतजाम कर। परमेश्वर ने उसका इंतजाम कर दिया, बस थोड़ा सा तेल था। आज हमारे पास तेल है कहां? जब मत्ती 25 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिए, बुद्धिमान की स्त्री के घर में तेल रहता है। अब यहां पर जो मत्ती 25 अध्याय है, यहां पर किस तेल की बात हो रही है? यहां पवित्र आत्मा रूपी तेल की बात हो रही है कि उन्होंने मसाले तो ली परंतु तेल नहीं लिया। मसाले जो है वो कई चीज को दर्शाया जाता है, परंतु तेल जो है वो उन्होंने नहीं लिया। परमेश्वर का वचन इस बात को बता, परंतु जो बुद्धिमान स्त्रियां थी उन्होंने अपने अपनी मसाले तो ली, मसालों के साथ अपनी कुप्पियों के साथ उन्होंने तेल भी लिया ताकि उनकी कुप्पी बुझ ना जाए। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस 6:13 पढ़ेंगे, बहुत से बीमारों पर तेल मल कर उन्हें चंगाई दी है। और याकूब में भी परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई तुम में बीमार हो तो वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वासी जन की प्रार्थना के द्वारा जो है वो रोगी चंगाई हो जाएगी। एक प्रक्रिया होती है, उसको पूरा करना है परमेश्वर के वचन के अनुसार, और जब उस प्रक्रिया को परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरा करते हैं तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में और दूसरे के जीवन में देखने को मिलती है तेल के द्वारा। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, तेल रूपी जो है तेल उदासी का नहीं बल्कि हर्ष का प्रतीक है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मत्ती 6:17-18 तक पढ़ेंगे, वहां लिखा, जब तुम उपवास करो तो तुम्हारे मुंह पे उदासी ना छाई रहे बल्कि तुम्हारे सर पर तेल रहे। कोई ये ना समझे कि तुम उपवास में हो और तुम कष्ट में हो या तुम दुखी हो या तुम्हारे चेहरे पे मायूस है, परंतु तेल लगाओ। यहाँ पर जो है मैं राजा दाऊद का उदाहरण देना चाहूंगा। दाऊद राजा था, उसकी पत्नी बेसेवा से जब वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ तो वो परमेश्वर के सामने रोता रहा, गिड़गड़ाता रहा। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, जब तक उस बच्चे के अंदर सांस चल रही थी। परंतु जब वो मर गया तो वो गया, नहाया धोया और उसने अपने सर पर तेल मला और रोटी खाई, क्योंकि वो शोक खत्म हो गया था। और इसलिए जो था, और वो परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे शोक करने वाली जो है एक स्त्री को लाओ और वो शोक का पहरावा पहने और तेल ना लगाए, वो बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है और क्या कहता है, यहां लिखा है परमेश्वर का वचन कहता है, लास्ट में बताना चाहूंगा, भजन संहिता 141:5 ध्यान दीजिएगा, धर्मी की ताड़ना की बात है, धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी और वे मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर पर तेल ठहरेगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, धर्मी यदि मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी और यदि वो मुझे ताड़ना दे तो ये क्या होगा, ये मेरे सिर पर तेल ठहरेगा, यानी तेल डाले धर्मी। आज कौन सुनता है? आज आप किसी को डांट के देख लीजिए, किसी को समझा के देख लीजिए, लोग रूठ जाते हैं। लोग जो हैं प्रभु के सेवक अगर कोई बात कह दे या कुछ कर दे तो वो चर्च आना बंद कर देते हैं, वो चर्च में जाना बंद कर देते हैं, वो दान देना बंद कर देते हैं, वो अपने घर में प्रभु के सेवकों को बुलाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है कि प्रभु का सेवक उनको ताड़ना दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको समझिए, ये जो तीसरी मोहर खोली गई, तेल और काला घोड़ा और वो जो उसका सवार दिखाया जा रहा है, उसके साथ में ये भी दिखाया गया, तेल को हानि ना पहुंचाना। अभी तो दाखरस की बात रह गई है, इंतजार कीजिए दाखरस के उस वीडियो के बारे में, ये दाखरस को क्यों नहीं हानि पहुंचाना, ये तेल की बात थी। तो आइए हम उस हर्ष रूपी तेल से, उस अभिषेक रूपी तेल से, उस आत्मा रूपी तेल से भर जाएं और परमेश्वर के आगे तरोताजा रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।